देखिए, आंकड़ों से हेरा फेरी, छिपाया जाना लगातार सरकार द्वारा किया जा रहा है। केवल मात्र मौत ही नहीं, आरटीपीसीआर टेस्ट को की धीमी गति करके, जांचों में कमी करके, घरों में जो पेशेंट्स हैं उनकी जानकारी का अपडेशन नहीं करके, केवल मात्र सरकारी हॉस्पिटल में होने वाली मृत्यु को ही आंकड़ों में रजिस्टर करके, जबकि हालात ये है अजमेर में, घरों में कोरोना पेशेंट्स हैं, उनकी आंकड़े नहीं बन, एक्चुअल आंकड़े सरकार नहीं ले रही है। घरों से, प्राइवेट हॉस्पिटल से कोरोना से पीड़ित होकर के कई जो कालकल्पित हो गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके आंकड़े सरकार नहीं ले रही है और उन आंकड़ों को छुपाने का प्रयास कर रही है। स्थिति यह है कि सरकार के जो आंकड़े हैं और जलने वाली चिताओं की संख्या, दोनों में रात दिन का अंतर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन पहले साफ कह चुके कि आंकड़ों को छुपाइए मत, आंकड़ों को बताइए, सच्चाई के सामना कीजिए और उस सच को आम जन को भी बताइए, क्योंकि ये आंकड़े जब जनता को पता लगेंगे तो वो कोरोना के प्रति जो लापरवाही है उसको छोड़ करके सावधानी बरतेंगे और ज़्यादा प्रिकॉशन बरतेंगे, और इन आंकड़ों की जानकारी होने से ध्यान में आएगा कि उनके आस में, अड़ोस में, पड़ोस में, आसपास रहने वाले कोई कोरोना संक्रमित है, क्योंकि वो घरों में अभी तक इनकी जानकारी नहीं है। ये जानकारी जैसे पिछली बार कोरोना संक्रमित अगर कोई व्यक्ति घर में क्वारंटाइन होता तो बाहर उनके नोटिस लगता था, बल्लियाँ लगाकर उनके नोटिस लगा करके ध्यान में दिलाया जाता था कि ये कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट है वो घर में है, तो आमजन उस घरों से थोड़ा अपना दूरी बना के रखते थे, उनका सैनिटाइजेशन टाइमली हो जाता था। अब जब ये जानकारी अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो आमजन को ध्यान में नहीं है, उनके पड़ोस में कोरोना पॉजिटिव है और वो लापरवाही बरत रहे हैं, वो वहाँ चले जाते हैं, उनसे मिलना हो रहा है, और जो कोरोना पॉजिटिव कई पेशेंट्स हैं वो भी लापरवाही बरत रहे हैं, 14 दिन का अपना क्वारंटाइन पूरा नहीं होने के बजाय होने से पहले ही वो बाहर निकल आ रहे हैं, आमजन से मिल रहे हैं और वो कोरोना स्प्रेडिंग में बहुत बड़ा योगदान उनका हो रहा है। ऐसे ही जो मृतक हैं, कोरोना मृतक, उनका जो संस्कार हो रहा है केवल मात्र ऋषि घाटी में ही नहीं, अन्य शमशानों में भी लगातार किया जा रहा है, चाहे वो लोहा खान का शमशान हो, चाहे वो हमारा पहाड़गंज का शमशान हो, चाहे गढ़ी मालियान का शमशान हो, चाहे छतरी योजना का आंतेड़ का शमशान हो, वहाँ पर किया जा रहा है। तो वहाँ पर सरकारी गाइडलाइन का, प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि ऋषि घाटी में तो नगर निगम के कर्मचारी और जो अधिकारी इंस्पेक्टर लगे हैं वो उस प्रोटोकॉल का पूरा पालन करा रहे हैं। अन्य स्थानों पर मेरे द्वारा भी देखा गया कि कई व्यक्ति अपने परिजन के घर से कोरोना पीड़ित बॉडी को लेकर के आए हैं, उनका संस्कार कर रहे हैं, ना तो पीपी किट पहन रहे हैं, न ग्लव्स है, न उनको जानकारी है किस किस गाइडलाइन का पालन उनको करना है। हमने आज इस आंकड़ों को छुपाने के विषय को लेकर के और इस प्रकार की जो कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा इसको लेकर कलेक्टर साहब से बात की है, उनसे आग्रह किया है कि इन शमशानों पर भी आइडेंटिफाई करके इस प्रकार की व्यवस्था करवाई जाए।